शैम्पू में क्या एक चीज मिला है और जड़ से काले। तो देखिए यहाँ पर मैंने शैम्पू लिया है, आप कोई भी ब्रांड का शैम्पू ले सकते हो। तो यहाँ पर बस मैंने 1 टेबल स्पून लिया है शैम्पू, ज्यादा नहीं लेना है। ज्यादा शैम्पू से भी हमारे बाल डैमेज होते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून शैम्पू ले लिया है। कोई भी मेल शैम्पू ले सकते हो, हर्बल हो तो सबसे बेस्ट हो। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने इसमें क्या मिलाना है, मैं दिखाती हूँ यहाँ पर आप लोगों को, आंवला जूस। जी हाँ, आंवला जूस आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लाभकारी होता है। बाल अगर लंबे घने बनाने हैं तो ये राज है आंवला जूस। जड़ से काले होते हैं, आंवला जूस हमारे बालों को स्मूथ और शाइनिंग बनाता है। तो इसे अच्छे से शेक कर लेना है यूज करने से पहले। और यहाँ पर देखिए 1 टेबल स्पून ऐड करना है। अगर आप इस तरह से शैम्पू करोगे ना फ्रेंड्स, तो आपके बाल बहुत अच्छा रिजल्ट आएंगे। तो देखिए आंवले जूस को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। सो फ्रेंड्स, इस नुस्खे को आप बच्चों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पर शैम्पू जो है बेबी केयर प्रोडक्ट ही यूज़ करना है। और ये देखिए अच्छे से स्काल्प में मसाज करके इस तरह से वॉश कर लेना, और बाल बहुत ही अच्छे सिल्की शाइन में लगते हैं। सो कैसा लगा वीडियो, ज़रूर कमेंट्स करना।